सरसे के दौरान लाहौर में मोटरसाइकिल सवारों के कुछ गैंग सामने आए हैं जो सड़कों पर चलते हुए हवाई फायरिंग करते हैं या सड़कें ब्लॉक कर देते हैं और करतब दिखाने शुरू कर देते हैं, और यही नौजवान जो है असला लेके फिर रहे होते हैं, इसलिए ये वारदातों में भी मुलव्वस हैं। पुलिस किसी भी गैंग को गिरफ्तार करने से कासिर है। इसी तरह का एक गैंग जो है वो मुस्तफाबाद के इलाके में दिन दिहाड़े फायरिंग करता रहा, सड़क के ऊपर हवाई फायरिंग करते रहे और खेल तमाशे करते रहे, और जब ये पुलिस को बात मालूम हुई तो पुलिस ने इन लड़कों को गिरफ्तार करने की बजाय मामले को दबाना शुरू कर दिया। अभी तक मुकदमा भी दर्ज नहीं हो सका और ना ही किसी शख्स की गिरफ्तारी आई है, और पुलिस जो है वो इस तरह के शहर के अंदर मुतद्दिद गैंग जो है वो चल रहे हैं मोटरसाइकिल सवारों के, जो डीलिंग भी करते हैं और वारदातें भी करते हैं, लेकिन किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उमर जावेद। थाना मुस्तफ़ा टाउन में मोटरसाइकिल सवारों की हवाई फायरिंग का ये मामला सामने आया है। लाहौर न्यूज़ की खबर पर एसपी सदर सैयद अली का नोटिस, पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। इसी पर मज़ीद जान लेते हैं सरफराज खान से। सरफराज बताइएगा। जी बिल्कुल, ये फायरिंग की वीडियो जो है वो लाहौर न्यूज़ पर रशर होने के बाद एसपी सदर की जानिब से ये नोटिस दिया गया है, और जो है वो नामालूम अफराद के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसपी सदर का मजीद कहना है कि टीम तश्कील दे दी गई है, जल्द अज जल्द इन नौजवानों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका सरफराज खान।